highlighted very nicely the use of SGLT2 inhibitors and their effectiveness in ASCVD and renal part. Both is covered very nicely. एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, इसका मतलब होता है चलते फिरते ब्लड प्रेशर को नापते रहना। एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, जिसके द्वारा हम लोग मरीज को वो बांध दिया जाता है और 24 घंटे का ब्लड प्रेशर नापता रहता है। मरीज घर पे रहता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, बाजार घूमता है, रात को सोता है, उसका ब्लड प्रेशर बराबर रिकॉर्ड होता रहता है और इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि मरीज का ब्लड प्रेशर किस समय बढ़ जाता है। क्या उसको अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है, क्या उसका रात का ब्लड प्रेशर नहीं गिर रहा है, क्या रात में भी ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। अगर ऐसे मरीज हैं तो ये खतरे वाले मरीज हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे इंसोम्निया मतलब ठीक से नींद नहीं आना, तो पूरा बॉडी का रिदम को बिगाड़ देता है। हम लोग का जब रात को सोते हैं तो शरीर शांत हो जाता है, एक सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस होती है। सुबह जब जैसे ही रोशनी आंखों के अंदर जाती है तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे पूरे सिस्टम को चला देता है।